चारा जो खुश्क हो जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी यादाश्त खुश्क नहीं हुई पूरी तरह है माशाल्लाह, और जो जवान है उनकी खुश्क हो गई है। आपकी उम्र 70 से ऊपर हो गई है ना, है माशाल्लाह, और आपकी यादाश्त बड़ी वाजी है अल्लाह के फजल से। नहीं मेरी दुआएं तो सबके लिए हैं, आप पर काम हो रहा है बाकियों पे नहीं हो रहा इसलिए मुहावरा तो नहीं कहना चाहिए आपकी दुआएं हैं, ये दुआ की दरअसल बेइज्जती है। नहीं मैं मेरी बात सुन लीजिए, मैं समझा रहा हूँ, लोग मुहावरा देंगे आपकी दुआ है, खाम खाब बैठे बिठाए, हालांकि वो दुआ ना भी की गई हो कि जी आपकी दुआ है। एक आदमी ने कोई अजीब सी हरकत की थी, मैंने उसको कहा कि ये क्या कहते आपकी दुआ है, मैंने कहा इन्ना लेना, मैंने कहा दुआ दी थी कि तू ऐसी हरकतें करो, तो लोगों को आदत पड़ जाती है। जो मुहावरे मजहबी हों और दीन से ताल्लुक हो उनको अकल से और गौर से इस्तेमाल करना चाहिए, मुहावरा तन नहीं रखना चाहिए मुंह पे। हमारे बाद और लोगों को भी आदत है यूं ही हर बात पे बेवजह आपकी दुआ है, तो ये दरअसल दुआ का नहीं बल्कि जिसको कहा जाता है उसका गोया एहतराम पेश नज़र है, लेकिन झूठे एहतराम का तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने जान के ऐसा किया, मैं आपके बहाने सब दुनिया को समझा रहा हूँ कि ये बात गौर से कहनी चाहिए फिक्र के साथ। आपकी दुआ का किसी दुआ के लिए कहा गया हो, मालूम हो कि उसने किसी मामले में दुआ की है तो फिर जायज़ है, वरना हर अल्लाह के फजल को किसी की दुआ बना देना बिल्कुल नाजायज बात है। दुआ से भी तो फजल ही होता है, मगर सिर्फ दुआ का मोहताज तो नहीं, वैसे ही अल्लाह के फजल होते रहते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, ये भी एक इलाज का मौका मिल गया साथ। बहर आपका दिमाग माशाल्लाह रोशन है और याददाश्त बड़ी अच्छी है, मैंने देखा अब तक जितने सवाल करता हूँ उसमें आपको याद रहता है।